गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम ये स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। सीए फाइनल नवंबर 2013 का क्वेश्चन नंबर 3A है। फ्लाई ओवर लिमिटेड हैज हायर्ड एन एयरक्राफ्ट टू स्पेशली ऑपरेट बिटवीन सिटीज ए एंड बी। ऑल द सीट्स आर इकोनॉमिक क्लास। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सीटिंग कैपेसिटी दे रखी है एयरक्राफ्ट की। एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर दे रखा है। एवरेज वन वे फेयर दे रखा है। फ्यूल कॉस्ट है, फूड कॉस्ट है, पैसेंजर से चार्ज नहीं किया जा सकता है। कमीशन टू ट्रेवल एजेंट है। एनुअल लीज कॉस्ट है। ग्राउंड सर्विस के खर्चे हैं पर फ्लाइट के। फ्लाइट क्रू की सैलरी है। देयर इज एन ऑफर फ्रॉम अनदर एयरलाइंस ऑपरेटर होल्ट गो लिमिटेड फॉर अ स्टॉप ओवर एट अ डेस्टिनेशन डी विच इज ऑन द वे फ्रॉम ए टू बी। Due to this, the flight will operate from A to D and then D to B. The following terms were considered for the stopover. 50 seats from D to B will be booked by HaltGo at a rupees 2,700 per ticket. Whether or not HaltGo is able to sell them to its customer, no agent commission is payable on these tickets. However, snacks must be provided to these passengers also by Flyway Limited at no further charge. A maximum 60 tickets can be sold by Flyway travel agent for the A to D sector. Since the stopover wasted more time, 25 Flyway original passenger in the AB sector will voluntarily drop out in favor of the airlines offering direct facility. Due to the stopover, fuel cost will increase from this to this. Additional landing charges हमारे ये हो जाएंगे। Flyway Limited will have to serve snacks to all the passengers in the D2B sector at no extra charge. Each snacks will cost rupees 200. This will be additional to the original food of rupees 300 served to A to D. Okay. ठीक है, आगे पढ़ेंगे। You may assume that fuel costs are not affected by the actual number of passengers in the flight. Ignore non-financial consideration, additional wear and tear aircraft due to extra landing takeoff. Without considering hold good, what is the profit earned by the flightway per flight from A to B? What is the break-even number of passengers for each flight from A to B? Considering the effect of अच्छा दो उन्होंने अलग अलग options बोले हैं। पहले तो without considering evaluate whether flyway accept should accept the offer or not. इन्होंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी, डिटेल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट नहीं चाहिए। ओके, थोड़ी सी वर्किंग कर लें। अभी तो पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन की हम बात करते हैं। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हम जा रहे हैं ए से सीधा बी। हमारे पास 240 टिकट्स हैं, सही है? प्रपोज्ड में इन्होंने क्या बोला? प्रपोज्ड में बोला इन्होंने पहले ए टू डी जाएंगे एंड देन डी टू भी जाएंगे। ओके, अब आप देखिए जो प्रपोज सिचुएशन होगी इसमें तीन रूट हो गए। तो रूट वन, ए टू बी, रूट टू A to D, रूट थ्री D to B। A to B में हमारे पास 240 पैसेंजर थे, 25 ने मना कर दिया, 215 पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट है। A to D ने डी टू बी में
जो होल्ड को करेगा 50 टिकट्स बुक्ड किए हैं वाई होल्ड को, ठीक है, तो जो बैलेंस टिकट बचेंगे इसको हम ऐसे ना करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन से करते हैं। समझ तो आपको आ ही रहा है। तो एक ऐसे बंदे हैं जो ए टू बी से जाना चाहते हैं, एक ए टू डी जाना चाहते हैं और एक डी टू ए जाना चाहते हैं। अब हम वर्किंग कर रहे हैं सीट अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। नंबर वन, जो डी टू बी है फिफ्टी सीट्स बुक्ड बाई हॉल्ट को, बैलेंस सीट कितनी बची? 210। अब दूसरा रूट जो ए से बी चाहते हैं, 240 में से 25 ड्राफ्ट हो गए, ये तो मेरी डिमांड है। अवेलेबल कितनी है? 200। तो पॉसिबल टिकट सोल्ड कितनी होंगी? वो 200 ही होंगी। अब तीसरा है हमारा ए टू डी, डिमांड कितनी है? वो 60 की है। अवेलेबल कितनी होंगी? ए से बी वाले जब 210 हो गए तो ए टू डी जा ही नहीं सकते ना वो, तो टिकट सोल्ड कितनी होगी? 100। अब पोजीशन क्या बनी? ए टू बी की हमारी 200 टिकट होगी, ए टू डी की हमारी 50 टिकट होगी और डी टू बी की भी हमारी 50 ही टिकट हो। समझ गए आप? चलिए, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि पहले तो विदाउट होल्ड गोज हम देखें प्रॉफिट क्या है। चलो बना लेते हैं उसको भी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एग्जिस्टिंग सिचुएशन, देखिए रेवेन्यू पर पैसेंजर कितनी आ रही है? 5,000। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर पैसेंजर? एक तो कमीशन है 10% ऑन 5,000 और एक आपका फूड कॉस्ट है। ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर। नंबर ऑफ टिकट या पैसेंजर कितने हैं? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन दस लाख 8,000। ओहो, मैं खराब हो गया आज। एक तो सरदर्द भी हो रहा मेरा, मैंने पेज भी चेंज नहीं किया, इसी में लगा मैं खींचने के लिए। चलिए सॉरी, पेज चेंज करना चाहिए मुझे, देख लेना चाहिए।
दोबारा करते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एग्जिस्टिंग सिचुएशन, रेवेन्यू पर पैसेंजर 5,000 रुपए, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर पैसेंजर, एक तो है हमारा कमीशन एट द रेट ऑफ 10% और दूसरा है फूड कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा पर पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर तो टोटल कंट्रीब्यूशन दस लाख आठ हजार, लेस करेंगे हम। अब देखिए फिक्स कॉस्ट में देखें हमारा क्या क्या था, फिक्स कॉस्ट में एक तो हमारी है फ्यूल 90,000 रुपए का, ठीक है। लीज 2,00,000 रुपए की, ग्राउंड सर्विस 40,000 का, और क्रू की सैलरी 48,000। नेट प्रॉफिट पर फ्लाइट 6,30,000। अब देखिए आप यहाँ ये मेरा पर फ्लाइट का 6,30,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने, व्हाट इज द प्रॉफिट, ओके। इसके बाद पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट, पर फ्लाइट फ्रॉम ए टू बी इजिकल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3,78,000 अपॉन 4,200 90 पैसेंजर, सही है। तीसरा क्या पूछा इन्होंने, अब हॉल्ट गो के ऑफर को ले लें, एवेल्युएट वेदर फ्लाईवे शुड एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट, ओके। तो अब ये चीज हम देखते हैं, थर्ड चीज एवेल्युएशन ऑफ हॉल्ट गो ऑफर, देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे फॉर पैसेंजर फ्रॉम ए टू डी, रेवेन्यू आएगी पर पैसेंजर 3,000 रुपये, कमीशन है 300 रुपये, फूड कॉस्ट है 300 रुपये, 2,400 रुपये। कंट्रीब्यूशन पर पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर
ए टू डी के कितने 50, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, एक लाख 20,000। ये ए टू डी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पेज चेंज कर लें, ठीक। अब कंट्रीब्यूशन फॉर डी टू बी, डी टू बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो भी देख लें। रेवेन्यू आएगी हमारी 2,700 × 50, 1,35,000, प्लस इनको स्नैक्स देंगे हम 200 × 50, 200 × 50, दस हजार रुपये, ठीक है। चलिए तो नेट कंट्रीब्यूशन आया 1,25,000, ये आ गया मेरा डी टू बी का। ठीक है, अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ हॉल्ट गोज ऑफर। एडिशनल कंट्रीब्यूशन होगा 1,20,000 प्लस 1,25,000, 2,45,000, लेस एडिशनल फ्यूल कॉस्ट होगी 45,000 की, लेस एडिशनल लेंडिंग जो होगी 19,000 की होगी, लेस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑन ए टू बी। देखिए अर्लियर पैसेंजर कितने थे 240, नाउ करंट कितने होंगे 210, नेट एडिशनल बेनिफिट क्या है 55,000 रुपये, नेट एडिशनल बेनिफिट है 55,000 रुपये, ठीक है। सो company should accept the offer, offer मतलब halt go offer। इस question को जरा समझ लें,
इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो इसका सॉल्यूशन दिया है, उसमें जो हमने यहाँ पर फ्यूल स्नैक्स की कॉस्ट 10,000 रुपये ली है, वो इन्होंने यहाँ पर 260 एम्प्लॉइज 260 पैसेंजर का पूरा लिया है, जो हमारे हिसाब से गलत है। ठीक है, तो उनका आंसर और हमारा आंसर डिफर कर सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।